जूनियर शिक्षक भर्ती सुपर टेट यूपीएसआई पीसीएस लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये रहा पहला प्रश्न। वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया था यानी कि 26 जनवरी 2021 को यह देश था बांग्लादेश। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 18 जनवरी 2021 से कौन से प्रदेश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश प्रभावी हो गया, तो यह प्रदेश है कर्नाटक। और RCS उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की जो PET की परीक्षा हुई थी उसमें भी जो फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि RCS उड़ान का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स RCS मीन्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान का मतलब होगा उड़े देश का आम नागरिक। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि RCS उड़ान की शुरुआत कब हुई, इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च किया गया था। किसके सहयोग से? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्करण के प्रवासी भारतीय दिवस समागम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? अब यहाँ पर कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लाइक एज कि यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कब हुआ? तो 9 जनवरी को हुआ था। और 2021 में जो इसका वर्जन रहा, संस्करण रहा, एडिशन रहा, वो रहा 16वां, तो 16वां संस्करण। और इसकी थीम क्या रही ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थीम का मतलब आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और मुख्य अतिथि कौन रहे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के, सूरीनाम के। तो बहुत सारे यानी कि गागर सागर वाला प्रश्न है ये, और इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन कब किया गया? देखिए फ्रेंड्स, दो प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किए जाते हैं, एक तो प्रवासी भारतीय दिवस, दूसरा होता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस। तो याद रखना कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन 8 जनवरी 2021 को किया गया था यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के एक दिन पहले। और 2021 में इसकी थीम लगाई गई भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। विशेष अतिथि रहे प्रियंका राधाकृष्णन जो कि सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री हैं कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है ये प्रश्न आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा से राजस्थान। हरियाणा में एक स्थान है न्यू अटेली, वहाँ से चलेगी ये ट्रेन और कहाँ तक जाएगी, राजस्थान के न्यू किशनगंज तक। और कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये प्रश्न आप परीक्षा में जरूर देखेंगे। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना ये किन किन राज्यों से संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2021 में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। और ये जो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है इसे कौन बना रहा है, अगर एग्जाम में आया तो इसका आंसर हो जाएगा गेल बना रहा है। और लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर है, और ये केरल से कर्नाटक को करेगा कनेक्ट, ठीक है। 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं जयंती मनाई गई। तो सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में झंडा कब फहराया था? स्टेटजी के और करंट अफेयर का ये एक मिक्स वर्जन है, और ये फहराया गया था कब? 30 दिसंबर 1943 को, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ यह 16 दिसंबर 2021 में मनाई जाएगी, याद रखना। और केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक की जो अवधि है इसको किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी याद रखना कि 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की जो 85वीं वर्षगांठ है यह 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। तो यहाँ पर जो ये जो नया संसद भवन बन रहा है यह किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है? तो इसका नाम होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। इसका शिलान्यास कब किया गया?
10 दिसंबर 2020 को। अच्छा ये बताओ कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो भारतीय रेलवे का समर्पित मालवहन गलियारा है ये, और जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको कहेंगे आप EDFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका परिचालन नियंत्रण केंद्र होगा प्रयागराज में, इससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, ये तो आपको पता ही होगा। ये बताओ कि थौबल बहुउद्देशी परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा थौबल। जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में मणिपुर क्लिक होना चाहिए। तो थौबल बहुउद्देशी परियोजना ये थौबल बांध पर बनेगी और इसका जो उद्घाटन किया गया वो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। थौबल बहुउद्देशी परियोजना का पहली बार योजना आयोग द्वारा वर्ष 1980 में, कब, 1980 में इसका स्वीकरण हुआ था, और परियोजना की मूल लागत कुल तब बताई गई थी 47.25 करोड़ रुपए। हालांकि वर्ष 2014 तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये जो परियोजना है वो हकीकत में उतरी है, और अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। तो याद रखना थौबल बहुउद्देशी परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। सेहत योजना का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, यस इज स्टैंड फॉर सोशल एंड जो रेस्ट ऑफ द EHAT है इसका मतलब हो जाएगा एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, मतलब सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका शुभारंभ हुआ था 26 दिसंबर 2020 को। अच्छा ये बताओ कि PMSSC योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों की आगे की उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन जारी करने के लिए आर्थिक मदद करना। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी, 60:40 में होगी, और यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो याद रखना PMSSC योजना जो है ये अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की शिक्षा जारी करने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद से संबंधित है। इसमें केंद्र 60% और राज्य जो होगा वो 40% जो खर्च होगा वो वहन करेगा, और यह केंद्र की एक प्रायोजित योजना है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर के चौरी चौरा में, और इसका नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि स्थित है गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। ये बताओ कि कोइलवर पुल ये किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी किस प्रदेश में है, तो ये बिहार में है, ये तो आप जानते ही होंगे। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया था। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और यह बिहार में स्थित है। वह राज्य जहाँ नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी गई है, नेचिपू सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई सुरंग है नेचिपू, और इसकी जो आधारशिला है वो अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। कुल लंबाई इसकी होगी 450 मीटर, और इसका जो आधारशिला है वो रखा गया 12 अक्टूबर 2020 को किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पर स्थित है। अब ये UPSC और UPSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, याद रखना इसको, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है, और इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो 23 मार्च को हुई थी 1950 में। मुख्यालय इसका रहा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो याद रखना कि जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है वो लेकर आए थे AG टांसले, कब, 1935 में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि भारत में कुल मिला के अब 53 जो है बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व हो गए हैं, और भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है ये आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और भारत का जो 53वां बाघ अभयारण्य बना है वो है गुरु घासीदास वन्यजीव अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसी प्रकार से जो 52वां टाइगर रिजर्व बना था वो कौन सा बना था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और ये राजस्थान में स्थित है। और ये भी याद रखना कि 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। एशियाई शेरों का निवास स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, एशियाई शेरों का निवास स्थल माना जाता है
गिर राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ये बताओ कि चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। 2019-20 के मुताबिक तो पहला स्थान मिलता है राजस्थान को, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का, ठीक है। और सूरजमुखी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, फिर है ओडिशा, फिर आता है बिहार। और सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होगा 2019-20 के मुताबिक, तो क्रम से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान पर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। पहले इसका नाम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, अब इसका नाम हो गया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में एक प्रश्न और भी आ सकता है और वो ये होगा कि सलीम अली नेशनल बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये बताओ कि केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई है? कर्नाटक में। और कर्नाटक जो है ये शहतूत रेशम का अग्रणी राज्य है, यानी कि सबसे अधिक शहतूत रेशम का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक है। अब बात यहाँ पर हो रही है रेशम के बारे में, तो केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न भी बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। मछली उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो पहले स्थान पर आता है चाइना, दूसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पर आता है इंडिया। तो मछली उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। यह बताओ कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4%, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है। बहुत ही ईजी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। भारत का मानक समय जो कि 82° 30' पूर्वी देशांतर से लिया गया है, तो 82° 30' पूर्वी देशांतर रेखा ये किन किन शहरों से होकर गुजरती है? याद रखना यह प्रयागराज में झूसी के निकट और मिर्जापुर आदि से गुजरती है। तो विकल्प इसका होगा प्रयागराज, बेसिकली इसे झूसी कह सकते हैं आप, झूसी के निकट से ही गुजरती है और मिर्जापुर को यह टच करती है। 82° 30' पूर्वी देशांतर, ठीक है। और किस योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भी याद रखना कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और ये देश के पहले गृह मंत्री भी हुए थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो कुल मिला के 15 महिलाएं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, रट लेना इसे। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, ये तो आपको याद ही होगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद के वाद में, ठीक है। और सार्वजनिक हित याचिका जिसे आप PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये संकल्पना जो है वो कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर ये प्रश्न आया तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर आप लोग JB कृपलानी दे देते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना JB कृपलानी की बात आएगी तो याद रखना कि यह संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और पीरानेसी उपन्यास के लिए वोमेंस प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं ब्रिटेन की लेखिका जिनका नाम है सुजाना क्लार्क, उपन्यास पीरानेसी। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद। और ये जो संयंत्र बनाया गया है वो भेल के द्वारा बनाया गया है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना कहाँ पर शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन होगा कि मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किसे समर्पित है, तो ये होगा स्ट्रीट वेंडर्स को समर्पित। और ये जो मैं भी डिजिटल अभियान है ये किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी जून 2020 में। इस योजना की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से किया गया है। किस संगठन के साथ डीआरडीओ ने MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए भागीदारी की है, तो आंसर हो जाएगा इसराइल के साथ, इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज, ये वहाँ की स्पेस एजेंसी है। टाइम आउट पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 37 बेहतरीन शहरों की सूची में पहला शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। दूसरा स्थान मिला है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है, तो आंसर हो जाएगा देवोज्योति मिश्रा ने। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। हाल ही में नमस्या नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो नमस्या का मतलब होगा यहाँ पर नालको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगा योग एप्लीकेशन, इसे लॉन्च किया गया है नालको के द्वारा। नालको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। वर्तमान में इसके जो CEO हैं उनका नाम है श्रीधर पात्रा। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने मुंबई में अपना पहला ब्रांडेड शॉप स्टोर, नाम इसका है हैप्पी शॉप, को खोला है, तो आंसर हो जाएगा इसका HPCL ने, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है। वर्तमान में CEO कौन है, मुकेश कुमार सुराना। अब एक प्रश्न आप ले फ्रेंड्स, बताओ कि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। अब यहाँ पर जो विकल्प हैं सभी विकल्प बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप सभी विकल्पों को पहचान रहे हैं तो सभी के आंसर लिखना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें, और कम से कम इसे अपने एक स्टडी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।